कविता का नाम है पर आंखें नहीं भरी। यह शिवमंगल सिंह सुमन का एक प्रेम काव्य है। इस कविता का सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ लगाया जा सकता है। कविता का मूल भाव यह है कि प्यार में कभी संतोष नहीं होता, सौंदर्य को अपनाने की शक्ति हम में नहीं है। सांसारिक अर्थों में प्रेमी से जी नहीं भरता, आध्यात्मिक अर्थों में ईश्वर से भी। इस कविता में असीम सौंदर्य का अंकन है। कवि कहता है कि प्रेमिका को उसने अनेकों बार देखा है किंतु उसका मन तृप्त नहीं हुआ। एक बार फिर असीम सौंदर्य के सामने उसका हृदय छोटा पड़ गया। प्रेमिका की खूबसूरती, उसका सौंदर्य इतना अधिक विशाल है कि उसके सामने प्रेमी का हृदय छोटा पड़ जाता है। प्रेमिका का सौंदर्य असीम है और प्रेमी का हृदय सीमित। सौंदर्य की विशालता छोटे से हृदय में समा नहीं पाती। प्रेमिका के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त करते हुए कवि अपने मन की तुलना वीणा के धुन से मुग्ध चंचल हिरण से करता है, जो रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं रुकता। कवि कहता है कि प्रेयसी के रूप सौंदर्य को उसने अनेकों बार देखा है, देख देख कर वह तृप्त भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसके सौंदर्य में कुछ ऐसा है कि उसे देखने की लालसा, निहारने की आकांक्षा बनी हुई है। कवि प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारा रूप, तुम्हारी बोली, तुम्हारी खुशबू मेरे कण कण में बिखरी पड़ी है। पांचों इंद्रियों में तुम्हारी अनुभूति बनी हुई है, किंतु इस गहन सौंदर्य के आस्वादन के बाद भी तृष्णा जस की तस है। संध्या समय के मिलन की लाज, दोनों के मिलन की सुनहरी लज्जा, मोहक लालिमा सुबह बनकर निकली है। परस्पर जुड़ने के प्रयास में कलियां खिली और जड़ी है। मिलन की उम्मीदें बढ़ी लेकिन फिर वे डल गई। कवि कहना चाहता है कि उसका प्रेम परवान चढ़ा, अपने चरम पर पहुंचा। उसने तृप्त होने की अनेक कोशिश की। मन रूपी घाघर को सौंदर्य प्रेम से भरना चाहा, किंतु घाघर काली की खाली रह गई। मन प्यासा का प्यासा रहा। प्रेयसी से मिलने की तृष्णा अभी भी बनी हुई है। ऐसा भी नहीं कि वहां मिली नहीं, वहां तो अनेकों बार मिली। हर बार उसने मन को स्पंदित भी किया, लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई। वे अभी भी प्रतीक्षारत हैं, अभी भी उससे मिलने की चाह बनी हुई है। अनगिनत बार मिलने के बावजूद तृष्णा का बना रहना इस बात का प्रतीक है कि जीवन की लालसा कभी तृप्त नहीं होती। जीवन प्रेम की खूबी ही है कि पूर्णता की एक आस बनी रहती है। अथक प्रयासों से प्राप्त उपलब्धियों के बावजूद चाह एक बूंद की तरह बार बार उभर आती है। आध्यात्मिक अर्थ में इसे भक्त और भगवान से जोड़कर समझा जा सकता है। प्रेमी और प्रेमिका का हाल भक्त और भगवान का ही है। ईश्वर असीम और अनंत है, भक्त की अपनी सीमाएं हैं। ईश्वर की अनेक अनुकंपाओं का साक्षात अनुभव करने के बावजूद भक्त के मन में उसके दर्शन की आस निरंतर बनी रहती है। मानो वहां अपने आराध्य से कह रहा हो, तुम हसीम हो, मैं सीमित हूं।